Hola, ¿cómo tal? ¿Tal you? Ding, ding. Wait a minute. Okay. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश एडिट्स। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस तरह का रील्स एडिटिंग, जिसको आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया। तो कुछ इस तरह का रील्स है जो इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, कि अभी अभी वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं इसका ऑडियो का पेज दिखा देता हूँ, लाइव प्रूफ है, देख सकते हो कि यहाँ पर ये मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और ज़्यादा रील्स नहीं बने, 4000, और कुछ रील्स बने हैं। तो अगर आप भी इसका ऑडियो को यूज़ करके इस तरह का रील्स बनाओगे तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, मेरे को एक भाई ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि भाई आप इस वीडियो पर एक ट्यूटोरियल बनाओ, इसलिए मैं बना रहा हूँ। अगर आपको भी कोई वायरल रील मिले तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में जरूर सेंड करना। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मेरे यूजर नेम है प्रकाश एडिट 22। तो गाइज आप फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं अपनी इस अमेजिंग सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। गाइज मैं सिर्फ आपको VN एप्लीकेशन में आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने में आपको नीचे प्लस वाला आइकॉन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करके ओपन कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा गाइज। तो यहाँ पर आपको फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। फोटो वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर आपको 6 फोटोज़ की जरूरत पड़ेगी। एक आपको बचपन का फोटो, और यहाँ पर आपका जो रिसेंटली 5 फोटो रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, नीचे एरो वाले ऑप्शन में क्लिक करके ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो चुका है गाइज, देख सकते हो ये ऐड हो चुका है। अगर आप चाहो तो फोटो को एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर एडजस्ट नहीं हो तो इस पर क्लिक करके आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो परफेक्टली एडजस्ट हो चुका है। अब गाइज लास्ट में चले जाना, लास्ट में जो ब्लैक बैकग्राउंड रहता है इसको यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। जस्ट इसमें क्लिक करना है, यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। सो गाइज इतना हो जाने के बाद हमें सबसे जो फर्स्ट वाला फोटो है ना, बचपन का फोटो रहेगा, उसको यहाँ से बढ़ा लेना है, ड्यूरेशन को बढ़ा लेना। जो पीला रंग का एरो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके इस तरीके से बढ़ा लेना, और इसको आप 9 सेकंड के आसपास रख लेना, ठीक है गाइज। तो जैसे आप स्टार्टिंग में देख लेना कितना ड्यूरेशन हुआ है, तो यहाँ पर 10 सेकंड हो गया गाइज, ठीक है। तो इतना कर लेना, उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक को ऐड कर लेना, क्योंकि म्यूजिक के अकॉर्डिंग हम अपने फोटोज को सेट करेंगे। यहाँ पर म्यूजिक वाले आइकॉन में क्लिक करेंगे, म्यूजिक वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, और ये वाला म्यूजिक है इसको चूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस म्यूजिक को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूजिक बीट्स में क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको 6 बीट मार्क कर लेने हैं, ठीक है गाइस। देख सकते हो मैंने पहले से बीट मार्क कर लिया है। तो आपको बीट मार्क कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट यहाँ पर नीचे फ्लैग वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करोगे तो बीट ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से बीट मार्क कर लिया है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला बीट मार्क है यहाँ पर देख सकते हो 8.77 सेकंड पे, यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ठीक है। एक और बार राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको सेकंड बीट मार्क में आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद जो नीचे से फोटो है ना, उसको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, ठीक है। और जो बाकी आपके 5 फोटोज बचेंगे ना, उसको आपको बीट मार्क के अकॉर्डिंग सेट करते जाना है। तो जस्ट आपको सबसे पहले बीट मार्क में क्लिक करना है, नीचे फोटो में क्लिक करना, और जो पीले रंग का एरो आएगा इसको क्लिक करके छोटा कर लेना, ठीक है। फिर आपको अगले फोटो में आना है, अगले बीट मार्क में क्लिक करके इसको छोटा कर लेना। फिर आपको अगले बीट मार्क में क्लिक करना है, नीचे से फोटो में क्लिक करके इसको छोटा करना है। फिर आपको अगले में जाना है, फिर इसको इस तरीके से करना है। फिर जो लास्ट वाला फोटो बचेगा उसको म्यूजिक के अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। सो गाइज इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट वाले बीट मार्क में आना है। यहाँ पर जो टेलीफोन का आइकॉन आता है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे फर्स्ट वाले बीट मार्क में आना है, और ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना सेकंड नंबर पर, इसमें क्लिक करना है, टेक्स्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पर जो कीबोर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हो, इस पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इमोजी वाले ऑप्शन में चले जाना है, और ये वाला इमोजी मिलेगा उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और बाहर टैप कर देना, ठीक है। और जो वाला आइकन है इसको इस तरीके से बड़ा करके रख लेना, ठीक है। बड़ा करने के बाद इसको छोटा करके इधर रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये हमें स्टार्टिंग में ही चाहिए गाइस, ठीक है, फर्स्ट बीट मार्क और सेकेंड बीट मार्क के बीच में चाहिए। तो यहाँ पर हमें सेकेंड बीट मार्क में क्लिक करना है, और टेक्स्ट में क्लिक करना है, और नीचे से आपको स्प्लिट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा गाइस इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट बीट मार्क और सेकेंड बीट मार्क के बीच में आ गया है। सो गाइज इतना हो जाने बाद हमें टेलीफोन वाला आइकॉन जो आता है ना, इसमें मोशन ऐड करना है। तो इसमें क्लिक करेंगे, मोशन वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, सेकंड नंबर पर देख सकते हो, इसमें क्लिक कर देना है, और इन एनिमेशन में आपको रख लेना है स्केल, और यहाँ से आपको लूप एनिमेशन जो थर्ड नंबर पर दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से इसको शेक रख लेना है, ठीक है। ये शेक वाला इफेक्ट आपको यूज़ करना है, और ड्यूरेशन को आपको नीचे से कम कर लेना है, उसके बाद राइट वाले ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है, इतना करना है। अब गाइज हम अपने फोटोज़ में इफेक्ट्स ऐड करते जाएंगे। तो सेकेंड नंबर वाले फोटो में हम आएंगे, और यहाँ पर इफेक्ट्स में चले जाएंगे, और लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट में जो एक्सपेंड वाला इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है इसमें क्लिक करेंगे, और नीचे से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे सभी फोटोज़ में अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे फर्स्ट वाले फोटो में नहीं चाहिए गाइज, ये वाला जो बचपन का फोटो है इसमें नहीं चाहिए, इसमें हम दूसरा इफेक्ट लगाएंगे। तो इफेक्ट्स में आ जाएंगे, और स्टार्टिंग में आकर यहाँ पर देख सकते हो स्पिन आउट दिख रहा होगा, इसको सेलेक्ट करना है, और इसका जो हरा रंग का ऊपर में देख सकते हो इसका ड्यूरेशन आपको बढ़ाकर 3 सेकंड रख लेना है,
और राइट में डन कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने बाद गाइस हमें ट्रांजिशन लगा लेना है, तो दोनों फोटो के बीच में जो प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है ना, इसमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जूम इन वाला इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, इसको क्लिक करके नीचे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है। तो हमारे सभी फोटोज में अप्लाई हो जाएगा गाइस। तो गाइस इतना हो जाने बाद हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस हमारा वीडियो एकदम ऑसम तरीके से बन चुका है। अब इस वीडियो को सिंपली सेव करना है, तो सेव कैसे करना है, ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और नीचे सर राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है। तो एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस वाले वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।